गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जब भी मुझसे ये पूछा जाता था कि रियर कैलिपर का बोल्ट जो है फंस गया है, उसको कैसे निकाला जाए, तो मेरे पास सॉल्यूशन होता नहीं था, क्योंकि जो चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस नहीं करी है, उसका सॉल्यूशन मैं क्या आपको कैसे दे सकता हूँ। लेकिन अगर मैं सॉल्यूशन दे भी दूँ तो भी वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग मेरी वीडियोज़ तो देखते हैं लेकिन काम मैकेनिक के यहाँ से करवाते हैं, और सारे काम हम खुद से कर भी नहीं सकते हैं। काफ़ी सारे काम जो हमें बाहर से करवाने होते हैं, जैसे वेल्डिंग हो गया, गैस कटिंग हो गया, इस सारे काम जो हमें बाहर से करवाने होते हैं। तो रिसेंटली कुछ मेरे साथ ऐसा ही हुआ, मुझे ब्रेक ऑयल चेंज करना था, लेकिन ब्रेक ऑयल चेंज करने से पहले मैंने सोचा ब्रेक पैड्स को चेंज कर लूँ, क्योंकि जब ब्रेक पैड्स घिस जाते हैं, पिस्टन बाहर आ जाता है, तो ऑयल ऑयल का लेवल रिजर्वे में कम हो जाता है, तो जब हम पिस्टन को पुश करते हैं अंदर, तो ऑयल का लेवल वापस से चढ़ता है ऊपर। तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि जब हम ऑयल को फिल करें तो इतना रखें कि ताकि पिस्टन जो है अंदर पुश हो सके। तो ब्रेक पैड्स ऑलरेडी घिसे हुए थे, तो मैंने सोचा ब्रेक पैड्स को चेंज कर लूँ। लेकिन जब चेंज करने लगा तो राइट वाला बोल्ट तो खुल गया, लेकिन लेफ्ट वाला बोल्ट वहीं पे फंस गया। दो तीन बार मैंने अटेम्प्ट किया, लेकिन मुझे ये रियलाइज़ हो चुका था कि ये बोल्ट काफ़ी फंस चुका है। पहले थोड़ा सा डैमेज हुआ, फिर थोड़ा और डैमेज हुआ, फिर थोड़ा और डैमेज हुआ। अब मुझे एहसास हो गया कि अब ये नहीं खुलने वाला है, इसका कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा। फिर मैं बाहर लेके गया, जहाँ पर ऑटोमोबाइल के मार्केट होता है, वहाँ पर दो तीन मैकेनिक्स को दिखाया। एक मैकेनिक ने बोला कि मैं 150 रुपये लूंगा, अगर खुल गया तो ठीक है, नहीं तो आप देख लेना। मुझे समझ में आ गया इसको कॉन्फिडेंस नहीं है। दूसरे के पास गया, वो हैमर और एक स्क्रू ड्राइवर लेकर के आया इसको ठोकने के लिए। मैंने बोला तुम इसको ठोक के खोलने वाले हो, बोलता हाँ। मुझे मुझे समझ में आ गया इसको इस चीज़ की एक्सपर्टीज है नहीं, अगर ठोक के खोलना है तो मैंने खुद ना ठोक लूंगा। लेकिन मेरे को ये चीज़ जरूर पता चली कि ये जो चीज़ है वो कॉमन है, ये अक्सर जो है बोल्ट फंस जाते हैं, और इसका जो एंड सोल्यूशन है वो है वेल्डिंग, वेल्डिंग से ही खुलता है ये। तो मैं दो वेल्डिंग वालों के पास भी गया, और उन्होंने बताया कि वेल्डिंग करने से अगल बगल का पेंट भी खराब होगा, और अगर गैस से अगर गर्म करना पड़ा तो जो अंदर के जो पिस्टन के जो ऑयल सील ओरिंग होते हैं वो भी खराब हो जाएंगे, तो आपको चेंज करने पड़ेंगे, और वेल्डिंग करने के लिए आपको कैलिपर बाहर निकाल करके लेके आना पड़ेगा। तो मैं समझ गया अगर इसको खोलना ही है तो फिर मैं खुद ना खोल लूँ। फिर मैं घर आया, मैंने कैलिपर को बाहर निकाला, और उसके बाद मैंने कुछ फुटेज शूट किए थे, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो दोस्तों, ये जो मेरा रियर कैलिपर है, इसका ये वाला बोल्ट खुल नहीं रहा है, ये स्लिप हो गया। मतलब ये जो इसकी ग्रिपिंग है, ग्रिपिंग पूरी डैमेज हो गई है, और बोल्ट जो है अंदर ही स्टक हो गया है। काफी मैंने अटेम्प्ट किया इसको खोलने के लिए, लेकिन ये खुला नहीं। मैंने ओवर साइज एलंकी को भी यूज किया इसमें, मतलब उसको पूरा फाइल से चारों तरफ ग्राइंड किया था। ये 6 mm एलंकी है, इसमें 5 लगती है, ये 6 है, और ये इसको मैंने पूरा ग्राइंड किया चारों तरफ, ताकि इसको मैं अंदर से फिट करूं तो ये टाइटली फिट हो, लेकिन तब भी ये नहीं खुला और ये स्लिप कर गया। तो ये भी ओवरसाइज हो गया काफी, और मैंने इंटरनेट में काफी सर्च किया है, और इसको खोलने के मतलब वो जो ऑप्शन है बहुत कम है। एक प्रो लेवल मैकेनिक है, उसने काफी चीजें अटेम्प्ट करी हुई है, ड्रिलिंग वगैरह कर चुका है, सब कुछ कर चुका है, बट दे ऑल फेल्ड। कई लोगों ने इस तरीके का जो है वो यूज किया है इसके ऊपर, मतलब इसको जब ठोक के अंदर डाल देते हैं, ये तो खैर लूज जा रहा है, कई बार ये टाइट भी जाता है, इसमें देखते हैं ट्राई करके, इसमें भी लूज है, तो थोड़ा ओवर साइज लेकर के इसको जब ठोक के अंदर डालते हैं तो ये अपनी ग्रिपिंग बना लेता है और खुल जाता है, लेकिन इम्पैक्ट के साथ खोलना होता है। लेकिन ये जो साइज है इसका, अगर नेक्स्ट साइज में अगर देखूं तो ये जो साइज आप देख सकते हैं, ये T30 लिखा हुआ है, तो नेक्स्ट साइज जो है मैंने चेक किया है वो बहुत बड़ा हो रहा है, तो उसको डालने के लिए मतलब इसका साइज बड़ा करना पड़ेगा। तो मेरे पास अभी एक दूसरा ऑप्शन है, वो ये है, ये वाली बिट है, ये वाली बिट जो है वो इसके अंदर जा तो रही है, लेकिन थोड़ी टाइट जा रही है, मतलब इसको ठोक के डालना पड़ेगा अंदर। ये इंच में है, आप इसका साइज देख सकते हो, ये 7x32 है, मतलब ये 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, ये उसके बीच का है, तो ये 6 से छोटी छोटी है, 6 तो इसमें जा ही नहीं रही है और 5 लूज है, तो ये मतलब काइंड ऑफ ग्रिपिंग बन सकती है इसमें, तो इसको ठोक के डालना पड़ेगा इसके अंदर। तो ये मेरा एक अटेम्प्ट है, इसको मैं करके देखने वाला हूँ कि ये इससे खुलता है या नहीं। और ये काफी देर से यहाँ पड़ा हुआ है, इसके ऊपर मैंने ये WD-40 है, ये WD-40 का अल्टरनेट है, मतलब वैसा ही है, तो इसके ऊपर मैंने स्प्रे किया हुआ था, और काफी देर हो गई, काफी घंटे हो गए हैं इसके ऊपर इसको छोड़े हुए, ताकि ये जो है वो अंदर पेनेट्रेट कर जाए थ्रेड पे, और कुछ भी अगर ऐसा कोरोजन वगैरह है तो काश उसको वो खोल दे। और दूसरा, इसको खोलने से पहले, इसको लगा के अटेम्प्ट करने से पहले, मैं इसको बॉइलिंग वाटर में डालने वाला हूँ अंदर। तो ये मैंने पूरा यूनिट बाहर निकाल लिया है, इसको यहाँ से खोलने के बजाय मैंने पूरा पूरा बाहर निकाल दिया है, ताकि जो ऑयल है वो निकालना ना पड़े, बहुत ईजी तरीके से निकल जाता है, खाली व्हील खोलना पड़ता है इसके लिए। तो इसको मैं अंदर टैप करके डालने वाला हूँ,
और इसको पहले मैं लेकिन 15-20 मिनट या आधा घंटे के लिए मैं इसको पूरा हॉट बॉइलिंग वाटर के अंदर इसको मैं डुबा के रखने वाला हूँ ताकि ये पूरा गर्म हो जाए। गर्म होने से क्या होगा कि थोड़ा मेटल एक्सपैंड होगा, तो मे भी हो सकता है कि वो हीट की वजह से थोड़ा सा मेरा लक अच्छा हो तो ये खुल जाए। बट ये जैसे अटेम्प्ट है मेरा, और आप देख सकते हो ये पिस्टन भी काफी ज्यादा करोड़ हो चुका है, काफी टाइम से खुला नहीं है, तो इसको भी वॉश करना है। और जो पिन है अंदर, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही होगी, वो जो पिन है वो उसमें काफी डस्ट पड़ी हुई है, तो इसको मैं अभी मतलब वॉश करने वाला हूँ। पिन को भी थोड़ा देखता हूँ वॉश करके, तो मे भी हो सकता है कि उस हीट से जो डस्ट वगैरह निकालने से मे भी हो सकता है कि ये जो है बाहर आ जाए। अगर ये बाहर आ गया देन इट विल बी अ बिग विक्ट्री फॉर मी, अगर ये नहीं आता है तो फिर इसके बाद कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा, मे बी इस टाइप का ओवरसाइज्ड टॉर्क्स, या फिर ये भी इससे भी नहीं हुआ तो फिर इसको वेल्ड करना पड़ेगा, जो कि मेरा लास्ट ऑप्शन है। लेट्स सी, इसको मैं अभी वॉश करने वाला हूँ और इसको मैं बॉइलिंग वाटर में डालने वाला हूँ अंदर, ताकि इसको मैं पूरा गर्म कर सकूँ। तो ये भी पूरा गर्म है, इसको मैंने बॉइलिंग वाटर में डाला था और इसको मैंने ठोक दिया अंदर और बहुत ही टाइट गया अंदर, बहुत टाइट गया है, और अब उम्मीद है कि ये खुल जाएगा। आप देखो जब मैं ठोकता हूँ तो आवाज आती है, पूरा अंदर चला गया ये देखिए। लेट्स सी, इसको खोलते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ये खुला नहीं, तो ऐसे में मुझे इसको वेल्डिंग वाले के पास लेकर के जाना पड़ा और उसने 100 रुपये लेकर के इसको बड़े आसानी से खोल दिया। तो फाइनली दोस्तों ये निकल गया बाहर, ये वेल्ड करा के निकला गया, और आप देख सकते हो कि वेल्ड करने से जो पेंट है वो कितना खराब हुआ है। आई होप कि आपको दिख रहा होगा ना, कलर थोड़ा सा फेड हो गया है। ये वाइस में लगाया था उसकी वजह से यहाँ भी पेंट पेंट जो है निकल गया है, और यहाँ पर थोड़ा सा ये डैमेज हुआ है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर जब वेल्ड करा तो यहाँ पर एक ये छोटा सा निकला हुआ था, जिसकी वजह से ये रगड़ खाते हुए पूरा बाहर आया और पूरा स्क्रैच हो गया। बट आई एम ओके विद इट, एटलीस्ट बाहर तो निकल गया ये। तो अब मैंने इसका पार्ट्स सर्च करने की कोशिश करी, पार्ट्स मिले नहीं इसके। अब इसको मैंने फिट करने से पहले इसको पूरा रीबिल्ड करना है अभी, क्योंकि ऑयल सील जो है जल गए होंगे अंदर से। यहाँ पर वेल्ड करने के बाद इसको यहाँ पर हीट भी दिया है, जो गैस वाला जो होता है उससे यहाँ पर पूरा हीट दिया, उसके बाद इसको खुला, तब ये खुला है। तो अभी इसको पूरा अलग करना है, इसके ऑयल सेल मुझे मिले नहीं यहाँ पे, वो मुझे सर्च करूंगा। तो इसको पिस्टन को मैं बाहर निकालूंगा, इसको मैं पेंट करूंगा, जो हीट रेसिस्टेंट वाला पेंट है वो भी मंगाया है ऑनलाइन ऑर्डर। और ये सब एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे ये पता चला कि जो पिन है इसको जरा भी टॉर्क दे करके आपने टाइट नहीं करना है। इसको टाइट करने से पहले आप इसके थ्रेड के ऊपर थोड़ी सी कैलिपर ग्रीस लगा दीजिए और उसके बाद इसको टाइट कीजिए। मतलब टाइट भी क्या करना है, उसने आपने कहा इसको ऊपर चढ़ा देना है थ्रेड को पूरा, और खाली बस हल्का हल्का सा इसको टच करके छोड़ देना है, जरा सा भी उसमें टॉर्क नहीं लगाना है। आप सोच रहे होंगे क्या ये खुल तो नहीं जाएगा? जी बिल्कुल नहीं खुलेगा, क्योंकि कैलिपर के अंदर एक स्प्रिंग होती है जो पैड्स को दबाती है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रेशर रहता है इसके ऊपर, जिसकी वजह से बोल्ट घूमेगा नहीं और खुलेगा भी नहीं। और बीच बीच में अगर ज्यादा लंबा समय हो गया है तो बीच में एक बार स्पैनर लेकर के इसको घुमा देना बेटर है, ताकि ये लूज रहे। और उम्मीद करता हूँ कि आपकी बाइक का जो बोल्ट है वो फ्री हो। ये वाला जो पर्टिकुलर बोल्ट है इसको पैड पिन कहते हैं। इसका मैंने पता किया था बाहर, लेकिन कहीं मिल नहीं रहा था। यामा के अंदर इस बोल्ट का प्राइस 257 रुपीज है। बुलेट में भी लगता है, हिमालयन में, वहां पर भी पता कर सकते हैं, वहां पर थोड़ा सस्ता है। हीरो करिज्मा में भी लगता है, हीरो करिज्मा का जो है 190 रुपीज का है। तो इस वीडियो में इतना ही, ये था पार्ट वन। पार्ट टू में मैं कैलिपर को पूरा खोल करके उसको वॉश करके रिबिल्ड करके फिट करूंगा, तो पार्ट टू देखना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।